अस्सलाम वालेकुम बेटा, स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म टू में, जो हम पढ़ रहे थे मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और लास्ट लेक्चर में जो चीजें हमने डिस्कस की उसमें था कि मैग्नेटिक फील्ड है क्या चीज, और जब कोई पार्टिकल चार्ज पार्टिकल, हम बात कर रहे थे कि चार्ज पार्टिकल जब किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है उसका इफेक्ट जो है उस चार्ज पार्टिकल की मोशन के ऊपर क्या होता है, हम ये डिस्कस कर रहे थे। और उसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, हम इसकी जो स्टडी कर रहे हैं, इसकी मोशन की जो स्टडी कर रहे हैं, इसकी एप्लीकेशन क्या है, हम एप्लीकेशन लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे। और ये जो एप्लीकेशन थी, जो हमने इसकी दो एप्लीकेशन डिस्कस कर चुके हैं, और जो थर्ड इसकी एप्लीकेशन है वो आज हम डिस्कस करेंगे। थर्ड एप्लीकेशन आज डिस्कस करेंगे वो है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन क्या है? ये असल में एक एक्सेलरेटर है। एक्सेलरेटर किस चीज का? जो एक जो पार्टिकल जो फील्ड में मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी को एक्सेलरेट कर देता है। ठीक है, मैं कनेक्ट करूंगा इस अपने इस लेक्चर को पिछले मैस स्पेक्ट्रोमीटर जो हमने पढ़ा था उससे। मैस स्पेक्ट्रोमीटर क्या था? इससे पहले हमने वेलोसिटी सिलेक्टर पढ़ा था। वेलोसिटी सिलेक्टर में क्या होता था कि वेलोसिटी सिलेक्टर में एक बीम ऑफ पार्टिकल्स, एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह लें या बीम ऑफ आयंस कह लें, को हम मूव करवाते हैं, एग्जिट होते हैं कहां से, एक सोर्स से, और वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में वो मूव करते हैं। हम उसके बाद ये देखते हैं कि उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, अगर वो एक स्पेसिफिक वेलोसिटी है, स्पेसिफिक वेलोसिटी हम वेलोसिटी सिलेक्टर में क्यों लेते थे? ताकि उस मूविंग पार्टिकल या मूविंग आयन या मूविंग चार्ज की सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो उसकी एक खास मैग्नीट्यूड हो, और वो जो खास मैग्नीट्यूड है वो बैलेंस करेगी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फोर्स को। ठीक है, और पार्टिकल जो है वो अनडिफ्लेक्टेड उस फील्ड में से गुजर जाएगा। इसी तरह की हमारे पास थी जब हम पढ़ रहे थे, सॉरी ये एक प्रॉब्लम आई। अच्छा हाँ, इसी तरह की हमने एग्जांपल पढ़ी थी मैस स्पेक्ट्रोमीटर में। मैस स्पेक्ट्रोमीटर में जो वेलोसिटी सिलेक्टर डिवाइस थी, असल में हमने उसको यूज किया था एज अ कंपोनेंट ऑफ द मैस स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, तो मैस स्पेक्ट्रोमीटर में हम क्या करते हैं, हम आयंस बीम ऑफ आयंस को पास करवाते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर से। वेलोसिटी सिलेक्टर इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द मैस स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, और उसके बाद हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वो वही फील्ड होती थी जिस तरह की फील्ड हमने वेलोसिटी सिलेक्टर में लगाए थे। इस फिगर में मैं आपको ये रिवाइज करवा देता हूँ। ये यहाँ तक का जो पोर्शन है, ये पोर्शन है हमारा वेलोसिटी सिलेक्टर, और इसके बाद जो ऊपर वाला ये पोर्शन है ये हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हुई है, दैट इज इन टू द पेज इन वर्ल्ड है। ठीक है, और इसमें होता क्या था कि जब एक पार्टिकल एक खास वेलोसिटी के साथ मूव करता है वेलोसिटी सिलेक्टर में से, अनरिफ्लेक्टेड गुजर जाते हैं, उसके बाद अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इनवर्ड फील्ड, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड उसको रिफ्लेक्ट करके टूवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि जो चार्ज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो काउंटर क्लॉकवाइज मूव करता है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। उसके बाद हमने उसका रेडियस फाइंड किया था कि कोई चार्ज पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो अगर वो सर्कल में मूव करेगा तो किस उसका रेडियस क्या होगा। वहां से जो रेडियस की इक्वेशन हमने लास्ट टाइम देखी थी, उस रेडियस की इक्वेशन से मैं मैस टू चार्ज रेशियो फाइंड करूंगा। इसके बाद जो जेजे थॉमसन था, जेजे थॉमसन ने चार्ज टू मैस रेशियो कैलकुलेट की थी। ठीक है, उसकी तरफ हम नेक्स्ट गए थे। ये चीजें हैं जो मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो आपने पढ़ी हुई है, राइट।
अच्छा मास टू चार्ज रेशियो मैंने फाइंड कर ली और इक्वेशन वन जो मैं लास्ट टाइम डिस्कस कर चुका हूँ लास्ट स्लैक्टर में वो हम उसको यूज करेंगे और मास टू चार्ज रेशियो जो है दैट विल बी इक्वल टू आर बी नॉट बी ओवर ई इसके बराबर आ जाएगी ठीक है। अच्छा उसके बाद ये जे जे थॉमसन के बारे में लिखा हुआ जिसने चार्ज टू मास रेशियो को यूज करते हुए इलेक्ट्रॉन डिटेक्ट किया बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिटेक्ट किया और उसने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट आर द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ नेचर ठीक है। ये वो मास स्पेक्ट्रोमीटर है जो जे जे थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किया था ठीक है। ये बातें आप पढ़ चुके हैं मैं रिवाइज कर रहा था। अच्छा अब है अब हमने डिस्कस करना है दैट इज द साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन भी एक डिवाइस है जो जो चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट कर देती है उसकी वेलोसिटी को बढ़ा देती है। वेलोसिटी को बढ़ाने का मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी उन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को बिलियन ट्रिलियन टाइम इंक्रीज कर देती है ठीक है। साइक्लोट्रॉन जो है दिस इज आल्सो द एप्लीकेशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। लास्ट टाइम मैंने साइक्लोट्रॉन की एग्जांपल दी थी मैंने कहा था कि इससे अगला जो टॉपिक आएगा वो टोटली हम एक लेक्चर जो होगा हमारा साइक्लोट्रॉन पे होगा तो इसमें मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस दैट कैन एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स टू वेरी हाई स्पीड और इसको हम पार्टिकल एक्सेलरेटर भी कहते हैं। पार्टिकल एक्सेलरेटर जो है इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे है या ये करता क्या है द एनर्जेटिक पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड जो इस केस में जो एनर्जेटिक पार्टिकल प्रोड्यूस होते हैं दैट आर यूज्ड टू बम्बार्ड एटॉमिक न्यूक्लियर किसी और मटेरियल के एटॉमिक न्यूक्लियर को बम्बार्ड कर उनसे बम्बार्ड करते हैं और उससे फिर क्या होता है कि एक हम न्यूक्लियर रिएक्शन अक्कर होता है उस न्यूक्लियर रिएक्शन मतलब बम्बार्डमेंट होती है एटम टूटता है ठीक है तो फिर क्या होते हैं नंबर ऑफ मतलब उससे बहुत सारे पार्टिकल एग्जिट होते हैं एमिट होते हैं निकलते हैं जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा बहुत हाई होती है और उनसे और वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है तो इससे एक्सेलरेटर की एप्लीकेशन जो है लोअर लेवल पे छोटे लेवल पे क्या है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स जो है बहुत सारे जो हॉस्पिटल्स हैं वो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी फैसिलिटीज को यूज कर रहे हैं। वो किस लिए हॉस्पिटल में ये साइक्लोट्रॉन जो किस तरह किस काम किस मकसद के लिए यूज होता है उससे क्या करते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। वो ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं जो ये साइक्लोट्रॉन फैसिलिटी को यूज करते हुए प्रोड्यूस करते हैं उनका मकसद क्या है वहां पे मुख्तलिफ बीमारियां जिस तरह कैंसर हो गया या कोई और बीमारी है उसको डायग्नोज करना और उसको ट्रीट करने के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। तो जो साइक्लोट्रॉन में चार्ज पार्टिकल्स की जो मोशन है इनमें इनकी मोशन में जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेज है ये की रोल प्ले करती है एक बुनियादी रोल प्ले करती हैं किसमें इसके जो साइक्लोट्रॉन का जो ऑपरेशन है इसमें इसकी स्कीमेटिक डायग्राम अगले सफ़े पे दिखाई उसमें मैं आपको समझा देता हूँ और उसके बाद जो छोटी मोटी बातें हैं या जिससे इससे रेलेवेंट जो एग्जांपल्स हैं वो मैं आपको करवा दूंगा ठीक है। जो ये जो एक्सेलरेटर है या जो साइक्लोट्रॉन है असल में एक इसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एक तो अप्लाई की होती है और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इस डिवाइस के बारे में मैं अभी बताता हूँ ठीक है। इस डिवाइस के परपेंडिकुलर होती है ठीक है। अब ये जो डिवाइस है ये दो स्ट्रिप से मिलकर बनी हुई है एक स्ट्रिप जो है एक स्ट्रिप को आप एक डी कह लें डी का मतलब जिस तरह प्रोटेक्टर आपने ज्योमेट्री में देखा होगा ठीक है वो डी टाइप इसे दो डीज भी कहते हैं। यहाँ पे आप नीचे देखें कि टू डीज इस डीज का मतलब डी वन और डी टू एक डी ये बन रही है और दूसरी डी ये बन रही है और इन दोनों के बीच में गैप है ठीक है और इन दोनों डीज को अल्टरनेटिंग पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है ठीक है अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई किया हुआ है
एसी करंट, ठीक है, एसएमएस से एसी करंट यानी कि पास करवाया, ऐसे आप समझ लें, ठीक है। और यहाँ पे जो जो ब्लैक डैश्ड कर्व्ड लाइंस है ये रिप्रेजेंट करती हैं पार्टिकल के पाथ को, ठीक हो गया। और पार्टिकल जो है जब एक्सेलरेट हो जाता है तो जहां जिस जगह से वो एग्जिट करता है, एमिट होता है, वो ये रेड लाइन से दिखाया हुआ है, ठीक है। अब मैं इसका प्रिंसिपल बता देता हूँ कि इसका फिनोमिना क्या हो क्या रहा है, ठीक है। हम एक ये देखें साइक्लोट्रॉन मोशन, जिस तरह उस दिन मैंने ड्रॉ की थी, ये साइक्लोट्रॉन मोशन, यहाँ से पार्टिकल पॉइंट पी से स्टार्ट होता है, जनरेट होता है, जैसे मतलब अमिट होता है, इलेक्ट्रॉन अमिट होता है और ये साइक्लोट्रॉन मोशन में वो मूव करता है। लेकिन मूव करता हुआ यहाँ से जब वो पार्टिकल यहाँ पे आता है, मतलब हाफ सर्कल कंप्लीट करता है, तो यहाँ पे गैप है। इस गैप को वो कैसे मतलब कैसे जंप कैसे मारेगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है उसको एक एनर्जी दे देती है, और उस एनर्जी से क्या होता है इसने जो अपनी एनर्जी पहले गेन कर लेता है, मोमेंटम गेन कर लेता है, उस मोमेंटम की वजह से ये इस स्लिट इस गैप को जंप करता है। जब जंप करता है तो उसके पास और ज्यादा एनर्जी आ जाती है। फिर जब ये नेक्स्ट डी में हाफ सेमी सर्कल, ये एक सेमी सर्कल को कवर करने के लिए जितना टाइम ये लेता है दैट इज हाफ ऑफ द टाइम पीरियड टी बाई टू। इसी तरह यही टी बाई टू जो है टाइम, ये इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करना चाहिए, किसकी अल्टरनेटिंग वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करना चाहिए। मतलब यहाँ पे अगर हाफ सर्कल कंप्लीट होता है तो ये भी अपना आधा जो सर्कल है वो कंप्लीट कर। इसी तरह जब तो क्या होगा, वोल्टेज इन्वर्स हो जाएगी जब ये अगला हाफ सर्कल कंप्लीट करेगा। तो इस तरह इसको ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है इससे अल्टरनेटिंग वोल्टेज की जो फ्रीक्वेंसी है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है मोशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो एक ही फेज में होनी चाहिए। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा अगर फेज इन फेज नहीं रहती है, आउट ऑफ फेज हो जाती है तो फिर हम क्या करते हैं वो मैं अगली स्लाइड पे आपको बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, ये बातें मैं एक दफा रिपीट कर देता हूँ जो मैंने अभी आपको बोली है, फिगर को देखते हुए मैंने आपको समझाई है, एक दफा मैं इनको पढ़ भी देता हूँ ताकि ये मजीद आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। द चार्जेस मूव इनसाइड टू सेमी सर्कुलर कंटेनर्स, दो चार्जेस जो मूव करते हैं किसमें, दो सेमी सर्कुलर कंटेनर्स में, दो सेमी सर्कुलर, मैं पिछली स्लाइड पे फिर जाता हूँ, दो सेमी सर्कुलर कंटेनर्स कौन कौन से हैं, एक ये डी बनी हुई है और एक ये डी बनी हुई है, इनमें ये पार्टिकल मूव करते हैं डी वन एंड डी टू referred to as these, इनको डीज क्यों कहते हैं, बिकॉज द शेप इज जस्ट लाइक डी, ठीक है। अब क्या है, हम हाई फ्रिक्वेंसी मैं इस पे जोर इसलिए दे रहा हूं कि एक्सेलरेटर में हाई फ्रिक्वेंसी अल्टरनेटिंग जो पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई करना होता है, ठीक है, इन दोनों डीज के अक्रॉस आप हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, ठीक है। एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड, जो कि लास्ट फिगर में मैंने कहा कि ये अपवर्ड होगी, डीज के परपेंडिकुलर होगी, ये अप्लाई की हुई है। फिर क्या है कि अगर तो हम पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव आयन रिलीज करें फ्रॉम द पॉइंट पी, ठीक है, नियर द सेंटर ऑफ द मैग्नेट जो है मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू दैट डीज है, वहां से अगर एक अमिट करे पार्टिकल मतलब पॉजिटिव आयन इन वन डी मूव्स इन अ सेमी सर्कुलर पाथ, इस सेमी सर्कुलर पाथ को इस फिगर में डॉटेड लाइंस के साथ ड्रा किया हुआ है, वो मैंने आपको बताया, एंड अराइव्स बैक एट द गैप, और ये जो पिछली स्लाइड में मैंने कहा ये इस गैप तक आ जाते हैं कितने टाइम में, टी बाई टू टाइम में। टी क्या चीज है, टाइम पीरियड है कि एक पार्टिकल जो सर्कल में मूव कर रहा है उसका टाइम पीरियड का आधे टाइम पीरियड में अगर वो इस गैप तक आ जाता है तो हम कहेंगे ये जो फिर हमें एडजस्ट भी करना पड़ता है, एडजस्ट फ्रीक्वेंसी को इस टाइम पीरियड के साथ हम एडजस्ट करते हैं ताकि वहां से अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है उसका एक हाफ मुकम्मल हो, जब वो गैप पे पहुंचे तो दोबारा उसे वही सिग्नल मिल जाए।
ठीक है, मैं दोबारा इसको पढ़ता हूँ. अ पॉजिटिव आयन रिलीज्ड एट पी नियर द सेंटर ऑफ द मैग्नेट इन वन डे मूव्स इन अ सर्कुलर सेमी सर्कुलर पाथ जिसके एंड अराइव्स बैक एट द गैप इन अ टाइम इंटरवल टी बाय टू वेयर टी इज द टाइम इंटरवल नीडेड टू मेक वन कंप्लीट राउंड ट्रिप दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड. और टाइम पीरियड को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, मैंने वही वहां से जो इक्वेशन हमने वहां पे जो टाइम पीरियड के लिए पढ़ी थी मैंने वही कॉपी करके यहाँ पे लगाई है ताकि आपको देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो या आप ये ना समझें कि ये इक्वेशन कहाँ से आ गई. ठीक है, तो ये वही टाइम पीरियड है जो कि बराबर था, ये इक्वेशन नंबर आपकी बुक में 29.3 है या 29.5 इक्वेशन नंबर आप वहां से भी दे सकते हैं. तो दैट इज इक्वल टू 2πm ओवर क्यूब ये हमने भी पढ़ा था, टाइम पीरियड कैलकुलेट किया था. अच्छा यहाँ पे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट जो फ्रीक्वेंसी है अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस की इसको हमने एडजस्ट करना है. एडजस्ट किस तरह करना है ताकि ये जो बीस को पोटेंशियल हमने दिया हुआ है इस अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस की फ्रीक्वेंसी को इस तरह एडजस्ट करना है कि इसकी पोलैरिटी जो है ये रिवर्स हो जाए उतने ही टाइम इंटरवल में जब पार्टिकल मूव करता हुआ उसी गैप पे आ जाए. ठीक है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इज एडजस्टेड सो दैट द पोलैरिटी ऑफ द बीस इज रिवर्स्ड कन्वर्ट हो जाए इन द सेम इंटरवल टाइम उससे उतने ही इंटरवल टाइम में ड्यूरिंग विद द आयन ट्रेवल्स अराउंड वन डे. मतलब वन डे का मतलब हाफ सेमी सर्कल. हाफ सेमी सर्कल कितने टाइम ड्यूरेशन में वो पार्टिकल ट्रेवल करते हैं दैट इज टी बाय टू हाफ ऑफ द टाइम पीरियड. ठीक है, ये बात हो गई. उसके बाद अगर ये दोबारा वही बात मैंने रिपीट कर दी है, सॉरी इसको आपने नेग्लेक्ट करना. और उसके बाद कुछ डिटेल लिखी हुई है जो कि मैंने आपको बता दी है. और यही पावर पॉइंट मैंने ये डिटेल यहाँ पे लिखता इसलिए हूँ कि यही पावर पॉइंट इसकी पीडीएफ मैं आपको दूं था और आप पढ़े और लेक्चर सुने तो आपको वही चीजें आपको इसमें मिले. ठीक है, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो ये है कि जिस तरह मैंने पिछली स्लाइड में ये मैंने बताया था कि पार्टिकल हाफ सेमी सर्कल पूरा कर लेता है तो यहाँ पे एक गैप है. इस गैप में जब आता है तो ये किस तरह इसको जंप करता है वो बात मैं आपको दोबारा से यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ कि एक चार्ज पार्टिकल मूव करता है उसके बाद आफ्टर टाइम इंटरवल टी बाय टू इट अगेन अराइव्स एट द गैप बिटवीन द डीज. By this time, the polarity across the days has again been reversed. जो मैंने अभी आपको बात बता दी है, and the ion is given another kick. जो ion को एक और kick मिल जाए, push मिल जाती है कि वो उस gap को cross कर लेता है, जो jump कर लेता है. तो इस तरह जो motion है charges की, ये continue रहती है और ज्यादा से ज्यादा जो particles हैं, ये एनर्जी गेन करते जाते हैं और जब व्हेन द रेडियस ऑफ इट्स पाथ इज नियरली दैट ऑफ द डी जब उस डी के बराबर इसका रेडियस हो जाता है मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल का तो उस वक्त क्या करते हैं इनके पास इनफ एनर्जी होती है और ये क्या करते हैं एनर्जेटिक आयन सिस्टम को लीव कर जाते हैं एग्जिट कर जाते हैं जो कि फिगर में रेड एरो से मैंने शो किया हुआ था. तो जो साइक्लोट्रॉन का ऑपरेशन है वो डिपेंड किस चीज पे करता है दैट डिपेंड्स ऑन द टाइम पीरियड. और ये जो साइक्लोट्रॉन का ऑपरेशन है दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड ऑफ द आयन एंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ. ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ टाइम पीरियड पे डिपेंड करता है और डिपेंड करता है कि आपने जो अप्लाई किया है पोटेंशियल डिफरेंस उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है. ठीक है, और टाइम पीरियड का रिलेशन मैंने यहाँ पर फिर लगा दिया है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो. अच्छा, अब इसके लिए हम थोड़ी सी मैथमेटिक्स कर लेते हैं. मैथमेटिक्स क्या करेंगे, वी कैन ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ टाइम व्हेन इट एग्जिस्ट द साइक्लोट्रॉन इन टर्म्स ऑफ द रेडियस. क्योंकि मैंने बताया कि वो टाइम पीरियड के ऊपर डिपेंड करता है. फिर हम आगे जाकर मैं इसको बताऊंगा कि ये टाइम पीरियड रेडियस के ऊपर कैसे डिपेंड करता है.
we can obtain an expression for the kinetic energy of the ion when it exits the cyclotron in terms of the radius given repeated over by the corrector luma or correction ke baad main aapko usko send kar dunga theek hai ye do baatein repeat ho gayi acha iska jo relation hai wo hum very basic equation se start karte hain that is magnetic force was equal to q multiplied by b cross b or usko hum likh sakte hain q b b sin of theta और हमें इस बात का पता है कि जो यहाँ से जो v की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू q r ओवर m के बराबर होगी और ये वाली वैल्यू वेलोसिटी की ये वाली वैल्यू अगर मैं काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन में पुट करूं तो ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन आ जाएगी q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m यानी इतनी ज्यादा जो है काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी और व्हेन द एनर्जी ऑफ द आयंस in a cyclotron exceeds about 20 mega electron volt jab cyclotron ki energy kitni ho jati hai 20 mega electron volt to phir kya hota hai us waqt iski jo velocity hai equal ho jati hai almost equal ho jati hai to the velocity of light jab koi particle velocity of light ke sath move karta hai to wahan pe relativistic effects aate hain relativistic motion ke bare mein aap BS4 में मॉडर्न फिजिक्स का कोर्स पढ़ेंगे वहां पे आपको इसकी डिटेल बताई जाएगी ठीक है अभी आपको इसका नहीं पता चलेगा रिलेटिविस्टिक मोशन क्या होती है ठीक है और जो ऑब्जर्वेशन है इस सेक्लोट्रॉन मोशन के ऊपर किए गए उनमें ये वाजे किया गया है कि जो टाइम पीरियड है वो इंक्रीज कर जाता है and the motion and the moving ions do not remain in phase with the applied potential difference ye phir kya karte hain jab time period badh jata hai na to phir kya hota hai ki jo moving ions hai unki jo speed hai speed keh raha wo phir in phase nahi rehte applied potential difference ke sath agar wo in phase nahi rehte to phir hame kya karna padta hai hum kya karte hain हम करते हैं मॉडिफाई कर देते हैं पीरियड ऑफ द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस पीरियड ऑफ द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे यूज किया है इससे पहले मैंने फ्रीक्वेंसी यूज किया टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का आपस में रिलेशन है जिसकी वजह से यहाँ पे मैंने पीरियड ऑफ द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस यूज किया मैं ये क्लियर करना चाह रहा था तो हम वहां पे फिर फ्रीक्वेंसी पोटेंशियल डिफरेंस की फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करते हैं ठीक है और जस्ट किस तरह करते हैं कि वो दोबारा से इन फेज आ जाए ठीक हो गया और ये था आज का लेक्चर थैंक यू वेरी मच हाँ ये जो इम्पोर्टेंट बात थी कि कुछ ये एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लगाई हैं एग्जांपल 2 है 3 4 ये 2-3 एग्जांपल्स हैं जो सॉल्व हैं ये आपकी असाइनमेंट है ये आपने करना है मैं आपको इसको पीडीएफ सेंड भी कर देता हूँ और ये आपने नेक्स्ट मंडे तक असाइनमेंट जमा करवा दीजिए अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है लेक्चर से रेलेवेंट तो प्लीज टेक्स्ट करें और थैंक यू वेरी मच और इसके अलावा कोई और क्वेश्चन हो तो हम नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं जब आप फिजिकली यूनिवर्सिटी में आएंगे ठीक है थैंक यू वेरी मच